में हंगामा खड़ा करने की कोशिश की है। जुरासिक पार्क और ईटी जैसी मशहूर फिल्मों के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर उन्होंने ड्रीम वर्क स्टूडियो नाम की कंपनी बनाई है, जो अब पूरी दुनिया के बाजारों के लिए फिल्में बनाएंगी। करीब 82 करोड़ डॉलर की रकम से शुरू होगी यह कंपनी और हर साल 5-6 फिल्में बनाने का इरादा रखती है। पहली फिल्म इसी साल शुरू होगी और 2010 में रिलीज की जाएगी। स्टीवन स्पीलबर्ग और ट्रेसी स्नाइडर इस नई कंपनी के मुखिया होंगे, जबकि अनिल अंबानी के वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ झुनझुनवाला इसके डायरेक्टर होंगे। ड्रीमवर्क्स की फिल्मों में की फिल्मों को भारत में डिस्ट्रीब्यूशन राइट अनिल अंबानी की रिलायंस बिग इंटरटेनमेंट के पास दिया जाएगा। हालांकि रिलायंस एडीजी ग्रुप में एड लैब फिल्म जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। अनिल अंबानी का कहना है कि ये रिलायंस बिग इंटरटेनमेंट का प्राइवेट सौदा है, उनकी लिस्टेड कंपनियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। The initiative by Reliance Big Entertainment are in the private domain is a private and personal effort. Is not linked to any of the listed corporate entities. And I think that we've worked very hard over the past 6 or 8 months to make this happen. We've had some very challenging times in the last 6-8 months, and clearly Stephen and Stacey have been very patient in understanding the challenges that all of us face on a global basis. Through this initiative, clearly we are looking at the global markets and global audiences and the changing demographics of India. स्टीवन स्पीलबर्ग का साथ अनिल अंबानी के ताज में एक अनमोल हीरे की तरह है और खुद स्टीवन स्पीलबर्ग भी इस सौदे से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि रिलायंस के साथ आने से उन्हें वो फिल्में बनाने में मदद मिलेगी जो वो हमेशा से बनाना चाहते थे। I'm very excited that we are in business again, independent of any other motion picture studio. Right. We were independent with the first DreamWorks for, 12 years. And right. Now we feel our independence in our partnership with Reliance to be able to make the kind of movies that we've always wanted to make. So nothing really has changed.